हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए मजेदार से वीडियो में। आज के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं इंडिया के नंबर वन प्रैंकस्टर यानी कि आरजे नवेद सर के बारे में। आज के वीडियो का मकसद यही है कि आरजे नवेद सर एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद वो आज इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाए और उनके लाइफ से जुड़े हुए हर एक मोटिवेशनल फैक्ट्स और उनकी लाइफस्टाइल, उनकी पूरी बायोग्राफी को हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आरजे नवेद सर की असली नाम नवेद सिद्दीकी है। उनका जन्म हुआ था 1 मई 1976 को उत्तर प्रदेश में। फिलहाल उनका होम टाउन लखनऊ में है। आरजे नवेद सर एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर एक टैक्सी ड्राइवर थे और हर मिडिल क्लास फैमिली में जैसे प्रॉब्लम होते हैं, उनकी फैमिली में भी सेम सिचुएशंस थे जिसकी वजह से उन्हें बाहर काम करना पड़ता था। वो एक बाहर डिलीवरी मैन की काम करते थे, वो रॉड्स की डिलीवरी करते थे बाहर जा जाके स्कूटी से अपने। वो मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद उनका ड्रीम था कि वो दुबई जाके काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि दुबई में काम करने का अवसर बहुत ही अच्छा होता है। तो उन्हें बाद में जाके ये मौका भी मिला दुबई जाने का और वो दुबई गए भी। और दुबई जाके जब वो काम कर रहे थे तब उनको पता चला कि वो जिस तरह से दुबई के बारे में सुनते आ रहे थे, दुबई वैसा बिल्कुल नहीं है। फिर वो जब लौट कर इंडिया वापस आए तो इंडिया वापस आने के बाद तो उन्हें एयरटेल के कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए उनके एक दोस्त ने सजेस्ट किया और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने एयरटेल के एक कॉल सेंटर में काम करने लगे। वो जब कॉल सेंटर में काम कर रहे थे उस टाइम पे जितने भी कस्टमर केयर बात करते थे उनका बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग था उनसे, और इसीलिए कस्टमर जब भी उनको फ़ोन करते थे और वो जब कस्टमर से बात करते थे तो कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे उनकी बात करने के तरीके को, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बात करते थे जो कि कोई और नहीं करता था। और साथ ही उनके जो ऑफिस के स्टाफ्स थे वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करता था, क्योंकि उनका तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर, सारी चीज़ें बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग था। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लोग उनको पसंद करते रहे और फिर एक ऐसा टाइम आया जब एयरटेल ने अपने एक रेडियो मिर्ची नाम के शो खोला। उस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए 36,000 लोगों ने उसमें ऑडिशन दिया और उनमें से नवेद सर भी एक थे। और होस्ट को नवेद सर का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने उनको सेकंड राउंड के लिए फाइनल कर दिया। सेकंड राउंड का फाइनल ऑडिशन देने के लिए जब वो मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें पता चला मुंबई में ऑलरेडी 5 और पार्टिसिपेंट्स वहां पहुंच चुके हैं, उनके साथ उनका कॉम्पिटिशन है। फाइनल ऑडिशन में उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद तुरंत ही उनको एक शो मिल गया रेडियो मिर्ची से और उनका पहले शो का नाम था डॉक्टर लव। तो यही से उनकी पहचान बन गई आरजे नवेद के नाम से। और आरजे नवेद सर एक चीज़ मानते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपके अंदर एक बड़ा सपना ज़रूर से होना चाहिए, और सपना वो नहीं होता जो रात को सोने के बाद आए, सपना वो होता है जो रात को आपको सोने ना दे। और नवेद सर की ऐसी सोच के लिए ही आज वो शायद इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, शायद आज इसीलिए लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप भी अपने आप के अंदर एक गोल सेट कर लो, एक बड़ा सपना सेट कर लो। और सिर्फ सपना सेट करने से ही कुछ नहीं होगा, उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर मेहनत करने का हुनर भी होना चाहिए। और अगर आपके अंदर ये दोनों है तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं उनकी कार कलेक्शंस और उनकी मंथली इनकम, साथ ही उनकी नेटवर्थ के बारे में। तो उनके पास अभी फिलहाल कार कलेक्शंस की बात करें तो नंबर वन पे उनके पास है स्विफ्ट डिज़ायर, दूसरे नंबर पे उनके पास BMW और उनके पास तीसरे नंबर पे है ऑडी A4। तो अभी अगर हम उनकी 2022 के अकॉर्डिंग उनकी मंथली इनकम की बात करें तो उनका मंथली इनकम फिलहाल 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली है। उनका नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपये से भी ऊपर अप्रॉक्सीमेटली। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही लाइफस्टाइल और मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।